हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद पल्लवी। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जो कि हमारा यू नो 5 मिनट्स चैलेंज होगा। क्योंकि 5 मिनट में हम कैसे क्विकली रेडी हो सकते हैं, क्या होता है कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता है, हमें बहुत स्पेशल जगह जाना होता है, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम अपने स्किन को अपने यू नो अपने लुक को अच्छे तरीके से इन्हेंस कर सके और अच्छे से खूबसूरत लग सके। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम 5 मिनट में रेडी हो सकते हैं। और जो है ये जो वीडियो आएगा, ये वीडियो विदाउट कट होगा, बिहाइंड द सीन कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ होगा आपके सामने। और जो अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक आपको दिखाई सुनाई दे रही होगी तो प्लीज इग्नोर दैट, क्योंकि मैं जो भी आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ वो सब कुछ विदाउट कट है, बिहाइंड द सीन कुछ भी नहीं है। तो मैं आपके साथ रियलिटी शेयर करने वाली हूँ किस तरीके से 5 मिनट में बहुत ही अच्छा सा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही स्पेशल जगह जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं ऐसी कौन सी चीज है, किस तरीके से हम अपने स्किन को और ज्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, अपने लुक को और इन्हेंस कर सकते हैं विद इन 5 मिनट्स में। तो स्टार्ट करने से पहले आपको पता है क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, नेबर के साथ, जिनको भी आप जानते हो। क्योंकि क्या होता है, हम सभी की लाइफ में ऐसा टाइम जरूर आता है कि हमें क्विकली रेडी होना होता है और हमको समझ में नहीं आता कि हम कैसे रेडी हों, और हमें बहुत स्पेशल जगह जाना होता है जहाँ पे हमें बहुत स्पेशल लगना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं किस तरीके से क्या क्या मैं अपने फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ, जिससे जो है आपकी स्किन आप भी उसको ट्राई कर सकते हो और आपकी भी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लो करेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे फेस पे अभी आ रही है स्वेटिंग, और मैंने अभी कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ आईब्रो थोड़ी सी फिल कर ली है। तो चलिए देखते हैं कि जो है किस तरीके से अपनी स्किन को हम 5 मिनट में बहुत ही अच्छे से प्रेप कर लेते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आप टाइम काउंट जरूर करिए कि विद इन 5 मिनट्स में जब मेरा मेकअप खत्म होगा तो 5 मिनट्स हो चुके हैं या उससे कम में मैंने अपने मेकअप को प्रिपेयर कर लिया क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हो चुका है टाइम स्टार्ट। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि अभी अपने गुड वाइब्स का जो मेरा स्प्रे है उससे मैं अपने फेस पे स्प्रे कर रही हूँ, अपने फेस को अच्छा से प्रेप करने के लिए। और मेरे फेस पे एकदम भी मेकअप नहीं है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्वेटिंग भी आ गई थी मेरे फेस पे बोलते बोलते। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ लैक्मे की सीसी क्रीम, जो कि हमारी स्किन पे सारा कवरेज देती है, जो भी आपकी स्किन पे नो डार्क सर्कल है और पिगमेंटेशन है और फाउंडेशन कंसीलर सबका काम करती है। तो इस तरीके से हमने अपनी स्किन को जो है लगा अप्लाई कर लिया है, और जो है ब्रश की हेल्प से, आप चाहें तो हाथ की हेल्प से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी कट नहीं होगा। तो मैं इसको दोनों तरीके से आपको स्किन पे बताऊंगी कि आप हाथ से कैसे कर सकते हैं और आप जो है ब्रश की हेल्प से भी कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों क्या होता है कि 5 मिनट्स में हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो है स्किन पे कलर आया है, कितना अच्छा कवरेज आया है। थोड़ा सा इसको एब्जॉर्ब होने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है, मतलब 10 सेकंड अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ पाउडर, लैक्मे का पाउडर है अपने मेकअप को सेट करने के लिए। और गाइस ट्रस्ट मी, आप ये जो क्रीम है इसको आप अप्लाई करेंगे अपने फेस पे तो आपको हर चीज का कवरेज देगी, चाहे वो आपका कंसीलर हो, चाहे आपका यू नो पिगमेंटेशन हो, कंसीलर का भी काम करेगी, फाउंडेशन का भी काम करेगी और क्रीम का भी काम करेगी। तो ऑल इन वन है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, ऐसा नहीं है कि आपको यू नो आपने अप्लाई किया और 1 घंटे बाद आपका फेस खराब हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट मैं अप्लाई करने जा रही हूँ काजल, काजल है मेरा लैक्मे का, सॉरी मेबेलिन का। आज सब कुछ ऑन द कैमरा होगा। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ आई मेकअप, आई मेकअप मैं फिंगर से करूंगी क्योंकि कई बार मैंने ब्रश से किया है तो आपको फिंगर से भी करने का आना चाहिए। तो फर्स्ट मैं ले रही हूँ एक कॉपर कलर, ऐसा हमेशा हम ब्रश की हेल्प से नहीं करना चाहिए, हमें कभी कभी फिंगर की हेल्प से भी कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम जल्दी में होते हैं तो हमें चीजें नहीं मिलती उतनी प्रॉपर तरीके से। कौन कौन एग्री करता है आप मुझे बताना जरूर। कॉपर कलर के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ हल्का सा जो है ये कलर, मतलब आप कह सकते हैं इसको कि ये हमारा लाइट
पर्पल है, मतलब एकदम पर्पल नहीं है इसमें, मतलब आप देख सकते हैं मैं कौन सा कलर अप्लाई कर रही हूँ। कितना प्यारा सा आई कलर हो गया रेडी। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ ये मैकी आईलाइनर, और 3 मिनट 28 सेकंड हो चुके हैं। यार ये बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत चलती है, बैकग्राउंड नॉइस बहुत आती है यार, बहुत नॉइस आती है। मैं इसीलिए वॉइस ओवर करती हूँ पता है आपको। ओके नाउ मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा जो कि है मेबलिन का। मस्कारा हमेशा आप दो कोट अप्लाई करें। अभी मैंने एक कोट अप्लाई कर लिया, मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं दो कोट अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश के लिए। मैंने आपको एक आइडिया भी दिया था कि जब भी अगर आपके पास ब्लश नहीं है तो आप क्या करिए कि बेबी लिप्स को जो है इस तरीके से अपने लिप्स पे सॉरी अपने चीक्स पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट मैं हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ ग्लैम 21 का। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का लिक्विड लिपस्टिक। ब्लश के लिए मैंने जो आपको ट्रिक बताई है वो ट्रिक आप जरूर अप्लाई करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा मेकअप हुआ है। पता है ये सब ना बैक कैमरा होता है। तो ये रहा एक मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं किस तरीके से विद इन 5 मिनट्स में रेडी हो सकती हूँ। और आप अभी पॉज करके जब मेरा मेकअप लिपस्टिक हो रहा था हो गया था उस टाइम आप पॉज करके देख सकते हैं कि विद इन 5 मिनट्स में मैंने कैसे मेकअप कर लिया अच्छे से, और जो है अपने फेस को बहुत ही प्यारा सा एक लुक दे दिया। मैंने सब कुछ अप्लाई किया, हाईलाइटर अप्लाई किया, आई मेकअप अप्लाई किया और ब्लश अप्लाई किया, क्रीम अप्लाई की, काजल अप्लाई किया, सब कुछ अप्लाई किया, आईलाइनर भी अप्लाई किया इवन। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से आईलाइनर भी मेरा सुंदर सा बहुत ही प्यारा सा लग चुका है। तो इस तरीके से अगर आप भी चाहते हैं कि आप जो है क्विकली रेडी होना चाहते हैं और अगर आपको बहुत ही स्पेशल फंक्शन में जाना है तो आप फंक्शन में जा सकते हैं और बस एसेसरीज पहन लीजिए, दैट्स इट। तो आप देख सकते हो कोई कमी लग रही है। और ये अनकट वीडियो है तो जो भी मैंने लिपस्टिक ऐसे ऐसे करके ठीक किया या जो भी किया ये सब लोग करते हैं, हर मेकअप हर ब्यूटी ब्लॉगर का यही होता है। बट ये होता है कि हम जब कैमरे पे दिखाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें कट कर देते हैं, जो हम आज मैं आपको बता रही हूँ कि बिहाइंड द सीन क्या क्या होता है। बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीजें होती है, बहुत आप अपना आई मेकअप ठीक करते हो, आप अपनी लिपस्टिक ठीक करते हो, बहुत सारी चीजें होती है। तो इस तरीके से मैंने आपके साथ जो है एक बहुत ही प्यारा सा लुक शेयर किया। तो अगर आप भी जाते हैं जाना कहीं बहुत ही स्पेशल फंक्शन में और आपको टाइम नहीं है तो आप इस तरीके से मेकअप कर सकते हो और आप जो बहुत ही खूबसूरत लग सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा एक मेरा छोटा सा वीडियो जिसे मैंने अनकट वीडियो शेयर किया, अनकट मेकअप शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो से, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।